परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, जमीन पर उनके हुनर बोलते हैं। आखिर वो लोग खामोश होते हैं जिनके जमीन पर हुनर बोलते हैं। इसी के साथ मैं खुशबू रावत आप सभी का गौणा फिजिकल एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आज हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मेरिट में भी अपना स्थान सुनिश्चित करके हमारे पास आए हुए हैं। तो आज हम उनका माला और फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं और जानेंगे कि उनने एकेडमी में उनका क्या अनुभव रहा और उन्होंने क्या क्या सीखा, क्योंकि ये एक बड़ा विषय बन जाता है कि लोग तभी ज्वाइन करते हैं। आज मेंटालिटी भी ऐसी बन गई है, लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई है कि जब तक उनको एक प्रमाण ना दिया जाए तब तक वो शायद यकीन भी नहीं करते। तो इसी बात के साथ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसी बात को साबित करने के लिए हम उनसे उनके मुखारबिन से खुद जानेंगे कि उनका एकेडमी में क्या योगदान रहा, क्या उन्होंने अनुभव किया, क्या उनके अनुभव रहे। और हम उनसे ये भी जानेंगे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जब वो गए थे तो उन्होंने वहाँ पर किन किन परिस्थितियों से सामना करना पड़ा, कितने दिन लगे उनको और किन किन इन पड़ावों से उनको गुजरना पड़ा। तो आइए उनका हम स्वागत करते हैं। बेहतर भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाइयाँ। धन्यवाद। आप अपना नाम बताएं। मनीषा हिरवार। नेहा कुर्मी। आप बताएं कि आपने एकेडमी में कब ज्वाइन किया था। मुझे एकेडमी ज्वाइन करते हुए 3-4 महीने हो गए। मुझे भी 4 मंथ्स हो गए। ठीक है। आप यहाँ पर किस परीक्षा की तैयारी, मतलब किस परीक्षा की फिजिकल की तैयारी कर रही थी। मैंने सबसे पहले SSC GD की तैयारी की थी। अच्छा। और आप? मैंने MP पुलिस के लिए। मतलब ये सभी MP पुलिस के अभ्यर्थी थे, लेकिन चूंकि हमें पता है कि MP पुलिस में अभी काफ़ी देरी चल रही है, अभी उसका रिजल्ट भी नहीं आया है, इसके बीच इन्होंने दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकली और उन्होंने उसमें दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई किया और आज देख रहे हैं कि MP पुलिस का तो अभी चल ही रहा है लेकिन दिल्ली पुलिस में ये एक बेहतर प्रदर्शन करके आई हैं और अपना स्थान सुनिश्चित करके आई हैं। तो इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाइयाँ। मैं अपने कुछ साथियों से निवेदन करूंगी कि आइए आप फूल मालाओं के साथ इनका स्वागत कीजिए। मैं अपने साथियों से एक कहूंगी कि आप फूल मालाओं के साथ और जोरदार तालियों के साथ इनका उत्साहवर्धन और मनोबल बढ़ाएं। आपको आपके आने वाले भविष्य की हार्दिक और शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये तो उनका स्वागत हो गया, अब हम आगे की बातचीत को शुरू करते हैं और जानते हैं उनके ग्राउंड एक्सपीरियंस के बारे में। तो आप हमें बताएं कि आपका यहाँ क्या अनुभव रहा। मैंने यहाँ लगभग 3-4 महीने हो गए तैयारी करते और मैंने सर के जैसे जैसे सर बता दे गए मैंने वैसे वैसे उनको फॉलो करती गई और मेरी रनिंग अच्छी होती गई, पहले से बेटर होती गई। और यहाँ के गरुणा फैमिली बहुत अच्छी है और गरुणा फैमिली बहुत अच्छी है, यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। मतलब यहाँ पर यहाँ के आने के बाद महसूस ही नहीं हुआ कि कहीं बाहर, मतलब घर से कहीं बाहर आए हैं, मतलब फैमिली जैसा माहौल मिला यहाँ देखने के लिए। बिल्कुल। साथियों, हमारी बहन ने बताया कि मतलब गरुणा फिजिकल एकेडमी में आपको एक पारिवारिक माहौल मिला। लोग कहते हैं कि लड़कियों को, चूँकि एक लड़कियों के लिए एक गंभीर विषय होता है कि वह अपनी फिजिकल की तैयारी कहाँ करें, उनको ऐसा कहाँ माहौल मिलेगा, क्योंकि एक मानसिक के साथ साथ एक शारीरिक सुरक्षा भी उनकी बहुत मायने रखती है। तो इसके साथ हमारी बहन ने बताया कि यहाँ पर आपको मानसिकता के साथ साथ शारीरिक सुरक्षा भी एक बेहतर तरीके से मिली, एक ऐसा माहौल मिला जिसमें उन्होंने अपने प्रशिक्षण को बेहतर किया। ठीक है, अब हम और जानेंगे कि आपका दिल्ली पुलिस में कैसा ग्राउंड एक्सपीरियंस रहा। वहाँ के स्टाफ बहुत सपोर्टिव था, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। वहाँ पर सबसे पहले हमारा फर्स्ट बैच था, मेरा 1600 की रन, हाँ मेरा फर्स्ट बैच था जिसमें हम लोग 100 जन ग्रुप था, जिसमें से मेरी 7:23 टाइमिंग आई थी। उसके बाद हमारी हाई जंप और लॉन्ग जंप, मेरी लॉन्ग जंप सेकंड टाइम में आई थी। बट जो भी मैंने सीखा है यहीं से सीखा है, सर से ही सीखा है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी रनिंग नहीं की, सिर्फ फिजिकल की मेरी पहली ही तैयारी थी ये, और मेरा पहले ही सर की वजह से हुआ है। जो भी है सब मैंने यहीं सीखा है गरुणा फिजिकल एकेडमी में। और यहाँ के सभी बच्चे बहुत, मेरी सारी फ्रेंड्स, सबका सपोर्ट है, सबका आशीर्वाद है मेरे लिए, सर का आशीर्वाद है। धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एकेडमी के बारे में इतना सब कुछ बताया।
अब मैं कहूँगी कि मेरे प्रशिक्षक सर इनका मुंह मीठा कराएं और इनको आशीर्वाद के रूप में अपने कुछ शब्द कहें। एक बार सभी जोरदार तालियों से इनका हौसला अफजाई करेंगे। जैसे हमारी अभ्यर्थी ने इन स्टूडेंट्स के बारे में बताया, एक हमारी नेहा है और मनीषा है, इन्होंने बड़ा अच्छा एक अपना परफॉर्मेंस करके और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अपना एक स्थान सुनिश्चित किया है। इन्होंने लगभग 2 या 3 महीने यहाँ पे अच्छी बेहतर ट्रेनिंग करी और उस ट्रेनिंग का फ़ायदा इनको वहाँ दिल्ली पुलिस में मिला। ये ऑलरेडी कुछ MP पुलिस का जो बैच चल रहा है उसकी अभ्यर्थी हैं, तो इन्होंने अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस करके वहाँ अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हर चीज़ लगभग क्लियर करके और फाइनल ये लोग मेरिट लिस्ट में आके अपना इन्होंने एक स्थान सुनिश्चित किया है। और लगभग ये 7 तारीख को जो अभी दिल्ली में रोजगार मेला होने वाला है वहाँ पे इनको कॉल लेटर दिया जाएगा फाइनली। हमारी एक स्टूडेंट और हैं जो कुछ कारणवश दिल्ली से अभी नहीं आ पाई हैं, तो उनका भी हम एक इंटरव्यू एक्सक्लूसिव आपको करके बताएंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जिस प्रकार हमारी स्टूडेंट ने बताया कि ये गरुणा फैमिली में जो एक मेंटरशिप है, आपको एक बेहतर ट्रेनिंग, बेहतर शारीरिक और बेहतर मानसिक शिक्षा दी जाती है। तो उन सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि अगर जो भी फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं, एक अच्छा मार्गदर्शन चाहते हैं, तो आप हमारी एकेडमी से जुड़ें और आपको एक बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य की आपकी जो आपकी कल्पना है, जो फिजिकल की, जो जिस भी डिफेंस फोर्सेज हो या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पैरामिलिट्री, जो भी डिफेंस फोर्सेज की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको अच्छी कम समय में एक बेहतर ट्रेनिंग दी जाएगी और उसका परिणाम आपके सामने है कि लगभग 3 महीने इन्होंने ट्रेनिंग की और दिल्ली पुलिस का एक आले दर्जे से एक्सीलेंट क्वालिफाई किया। और होपफुली जितने बच्चे ये MP पुलिस के हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा सारा बैच सेलेक्ट हो और सब लड़कियाँ और सब बॉयज़ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपना, और होपफुली जब भी उनका फिजिकल होने वाला है अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो एक बार फिर से इनका तालियों के साथ स्वागत करें। और मैं चाहूँगी कुछ स्टूडेंट्स इनका मुँह मीठा कराएँ, प्लीज मिठाई ले आओ। एक बार कर्तव्य ध्वनि के साथ इनका तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और मैं अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनका मुंह मीठा कराएं, तालियां बजती रहें, तालियों का उत्साह कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुशबू, धन्यवाद सर। कहते हैं कि गुरु का स्वाभिमान उनके छात्रों के बेहतर भविष्य में ही निहित होता है, और यहाँ ये बात बिल्कुल निखर के आ रही है कि हमारी प्रशिक्षक हमारी साथियों की सफलता में कितने खुश हैं। आज उन्होंने मिठाई की भी व्यवस्था कराई और हमारी सभी साथियों का उत्साह वर्धन किया। तो मैं अब चाहूँगी कि ये मिठाई वितरण हमारी सभी साथियों में वितरित की जाए, जिससे उनमें भी एक हर्ष और उल्लास और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की एक आशा उत्कंठित रहे। तो मैं इसी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ और आप सभी से आग्रह है कि आप अगर गरुणा फिजिकल एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आइए और यहाँ अपने प्रशिक्षण को बेहतर बनाइए। आगामी बहुत सी परीक्षाएं ऐसी हैं जिनमें आपके शारीरिक कौशल की बहुत ज़रूरत है, और सीधी बात यह है कि अगर आप आएंगे और अपने शारीरिक परिश्रम को बेहतर करेंगे, शारीरिक फिजिकली एक्टिविटी को जो बेहतर करेंगे, तो आप कहते हैं कि अभी जैसे UP पुलिस में 50 लाख अभ्यर्थियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, 50 लाख अभ्यर्थी उसमें फॉर्म डाले हैं, तो इसका मतलब यह है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप नंबरों के माध्यम से थोड़े कम भी हैं आपको, लेकिन अगर आप शारीरिक एक्टिविटीज़ में अच्छे हैं तो आप वहाँ पर अपनी जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं और भारत माता की जय घोष के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद।